ओम शांति। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 7 और श्लोक 26, 27, 28 में कहा है कि संसार के समस्त प्राणी अपने आत्म स्वरूप से वंचित हैं, अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह या तो किसी के प्रेम में है या किसी से दुश्मनी लेकर बैठे हुए। राग द्वेष शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। तो कुछ लोग किसी से अत्यधिक लगाव में है, इसलिए पूरी दुनिया को, परमात्मा को, अपने को भूले हुए हैं। और कुछ लोग इस संसार में दूसरों से दुश्मनी, दूसरों से परेशानी को लेकर के बहुत परेशान है। और प्राय प्राणी दोनों के मध्य में रहता है। हर प्राणी के भीतर ही दोनों ही ये भाव हैं जो हमें अपने आत्मस्वरूप से वंचित किए रहते हैं। और सुख दुख नाना प्रकार के द्वंद ये भी हमें परेशान किए रहते हैं, इसलिए हम अपने आत्मा के स्वरूप में नहीं रहते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि जिस प्राणी नाना प्रकार के पाप में, पाप का मतलब है दूसरों को सताने से, दूसरों की दुआ बद्दुआएं लेने से, तो जो निगेटिव इफेक्ट्स है उसका, नकारात्मक प्रभाव उसके चक्र में है। और जब तक वो नकारात्मक प्रभाव समाप्त नहीं होगा तब तक वो अपने आत्मा में स्थित नहीं होंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे और उनके पाप नष्ट नहीं होंगे। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए परमात्मा को याद करें। और जो सांसारिक सुख दुख हैं उन सांसारिक सुख दुखों में परेशान न रहें, उस एकरस आत्म तत्व को, परमात्मा को याद करें और उसकी याद से ही आपका कल्याण होगा। जब किसी की कड़वी बात, किसी की प्रिय बात, कोई आपको दुर्वचन कह दे, उन सारी स्थितियों में जब आदमी सम रहना सीख लेता है, उसके भीतर क्रोध का उदय नहीं होता है, तभी वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो पाता है। धन्यवाद। ओम शांति।